हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास टेंथ इलेक्ट्रिक के रिवीजन में सेकेंड पार्ट, अब मैं आपके सामने वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें हम लोग पिछले जो लास्ट वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ तक हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो थोड़ा एक बार हम लोग डिफाइन करते हैं क्या था क्लास टेंथ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ओम्स लॉ। क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में हम लोगों ने? ओम्स लॉ कहता है क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर, है ना। यही तुम्हारे क्या होता है, ओम्स लॉ। देखो ना, अब इसके बाद से तुम्हारा क्या आता है, नेक्स्ट तुम्हारा आता है रेजिस्टेंस। क्या आता है? रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो हम जब इस आर की वैल्यू निकालते हैं यहां से, तो मुझे क्या मिलता है, वी अपान आई। अगर हम ओम्स लॉ से, इस इक्वेशन नंबर वन से हम अगर आर निकालते हैं, तो मुझे क्या मिलता है, वी अपान आई। और वेयर, इसी आर को बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट। तो ये आपका होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। आर इज इक्वल टू वी अपान आई। मानते हैं अगर मुझे इस यहां से यूनिट निकालना हो, क्या निकालना, यूनिट ऑफ आर निकालना हो, तो पहले यहाँ क्या होगा, आर बराबर मैंने क्या लिखा है, वी अपान आई। तो हम जब यहां से आर का यूनिट फाइंड करेंगे, रेजिस्टेंस का यूनिट, देखो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा वी का यूनिट अपान, क्या मिल जाएगा यहां से, आई का यूनिट। और देखो वी माने क्या होता है, पोटेंशियल, इसका होता है वोल्ट, आई का होता है एम्पियर। तो इसी वोल्ट अपान एम्पियर को क्या बोलते हैं, ओम्स। ये सिंबल लिखते हैं ऐसा, यानी कि रेजिस्टेंस का यूनिट मुझे क्या मिल गया, ओम, या इसका सिंबल होता है ऐसे, ठीक है। मान लो मुझे इसमें नेक्स्ट जो डिफाइन करना हो, मानते हैं कि मुझे अब डिफाइन करना हो वन ओम। मुझे क्या डिफाइन करना हो, वन ओम डिफाइन करना हो, क्या होगा? तो देखिए पहले लिखो यहाँ पे, सिंस वी नो डेट आर इजकल टू वी अपान आई। अब यहाँ पुट करो, इफ वी इजकल टू वन वोल्ट, मानते हैं कि मैंने एक वोल्ट का पोटेंशियल सर्किट में दिया, और अगर मेरा करंट आई की क्या हो, वे एक एम्पियर, यानी कि अगर किसी सर्किट में हम एक एम्पियर का करंट दें और उससे उसका पोटेंशियल अगर एक वोल्ट हो, तो इसलिए जो आर की वैल्यू आती है या कहो जाएगा वन वोल्ट अपान वन एम्पियर, एंड डेट इज कॉल्ड वन ओम, डेट इज कॉल्ड वन ओम। यह था आपका एक ओम, यानी वन ओम, मतलब कि किसी सर्किट में अगर एक एम्पियर करंट हम दें और उसमें अगर एक वोल्ट का पोटेंशियल क्या होता है, जनरेट होता है, तो इसी को बोलते हैं, यानी कि वन वोल्ट अपॉन वन एम्पियर को बोलते हैं वन ओम। यह था आपका रेजिस्टेंस और उसका यूनिट, और उसका जो यूनिट होता है ओम, तो उस ओम यानी वन ओम का सेंस क्या होता है, ठीक है। आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आया होगा ना। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी। देखिए अगला जो हम लोग का टॉपिक है वह है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी कैसे आता है, तो देखो एक चीज आप जानो पहले, ठीक है। इसको जानने से पहले आप एक चीज जानो, देखो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा है, रेजिस्टेंस। मानते हैं कि यह मेरा कोई कंडक्टर वायर है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। हमने इस वायर में करंट आई को क्या किया, फॉलो कराया, है ना। मतलब मैं इस वायर में मैं करंट आई दे रहा हूं, अगर इस वायर का रेजिस्टेंस आर हो, वायर का लेंथ एल हो, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका क्या हो, ए हो, ठीक है ना। और इस अगर मान लो हम करंट आई दिए, तो जाहिर सी बात है कि इस वायर का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। तो देखो देखो ना, कहते हैं ना फर्स्ट यहां से कि जो रेजिस्टेंस आपका होता है आर, वह क्या करता है, एल पे डिपेंड होता है, इसके लेंथ पे। सेकेंड, जो रेजिस्टेंस होता है वह क्या करता है, तो वह इसके क्या होता है, करंट पे डिपेंड करता है। सेकेंड सॉरी थर्ड, जो रेजिस्टेंस होता है आर वह क्या होता है, वह एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया पे। फोर्थ आपका क्या होता है, देखो ये ना, ये जो वायर है वह जिस मटेरियल से मिलके बना है ना, यानी कि मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जो आर होता है ना
वो मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो यह था रेजिस्टेंस, यह कंडक्टर के किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो लेंथ पे, करंट पे, एरिया पे, ठीक ना। और क्या होता है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, सॉरी ना, देखो ना एक चीज, देखो देखो ना, यहाँ पे हमसे फॉल्ट हो गया है कि जो रेजिस्टेंस है ना वो आई नहीं, वह इसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। यानी कि हम जब करंट आई देते हैं, जब हम करंट आई देते हैं, ठीक ना, तो यह जो रेजिस्टेंस होता है वह इस कंडक्टर वायर के लेंथ, टेम्परेचर, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया और यह आपका वायर किस मटेरियल का बना हुआ है उस पे आपका डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो यहां से हम पाते हैं एक चीज, फर्स्ट देखो, अगर मेरा रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल हो, चलो भाई मानते हैं कि अगर रेजिस्टेंस है वह इस कंडक्टर वायर के लेंथ के प्रोपोर्शनल हो। सेकेंड, अगर मेरा यही रेजिस्टेंस मानते हैं कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो, तो देखो ना इसमें एक नियम होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वह एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि 1/a, ठीक है। तो हम अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो क्या मिल जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 से मुझे क्या मिल जाएगा, प्रोपोर्शनल टू एल अपान ए, यानी कि आर प्रोपोर्शनल टू एल अपान ए। और मैथमेटिक्स में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि हम जब इस प्रोपोर्शनल को ब्रेक करते हैं तो बराबर लिख के कोई एक कांस्टेंट, तो ना चलो मैं उस कांस्टेंट को एक सिंबल दिया रो, ये हो जाएगा रो इंटू एल अपान ए, ठीक है ना। तो ये होता है आपका आर की वैल्यू, और इस रो, देखो ना यही जो आपका रो है ना, यही रो, इसी को बोलते हैं रजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी, ठीक है। तो देखो ना, हम अगर यहां से इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, तो हम अगर यहां से लिखते हैं फ्रॉम थर्ड, अगर रो निकालते हैं यहां से तो क्या होगा, आर इंटू ए अपान क्या हो जाएगा एल, और यही आपका होता है रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, रो बराबर क्या होता है, आर ए इंटू एल, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, मान लो मुझे अगर इसका क्या निकालना, यूनिट निकालना हो, यूनिट ऑफ रो यानी कि रजिस्टिविटी मुझे निकालनी हो, तो देखो यहाँ रो बराबर मुझे क्या मिल गया है, मुझे मिल गया है आर ए अपान एल, ठीक है। तो अगर देखो, मान लो हम यहाँ से रो का अगर यूनिट निकाल लेंगे, तो देखो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, आर का यूनिट क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस का यूनिट अपान एरिया का यूनिट, अपान एरिया का यूनिट, फिर क्या से यहाँ से हो जाएगा एल यानी लेंथ का यूनिट, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ से अगर इसका यूनिट निकालते हैं रजिस्टिविटी का, तो देखो रो क्या है, रजिस्टेंस का आपको यूनिट क्या है पता है, क्या होता है ओम, क्या होता है ओम, एरिया क्या होता है तो मीटर स्क्वायर, लेंथ का क्या होता है मीटर, तो एक मीटर से मीटर कैंसिल, यानी कि यहाँ से रो का यूनिट यानी कि रजिस्टिविटी का यूनिट मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल रहा है ओम मीटर, और यही तुम्हारा होता है रजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर, क्या होता है रजिस्टिविटी का यूनिट, तुमको यहाँ से क्या मिल गया, ओम मीटर। तो बहुत ही आसान टॉपिक था, आप जब इसको रब पे एक दो बार साल्व करोगे तो समझ जाओगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और प्लीज अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।